लाहौर एक तारीखी शहर है जहां मुगलों के दौर की तारीखी यादगार मौजूद हैं, जो अपने दौर की अजमत की याद दिलाती है। कामरान की बारादरी भी इन यादगार दौर में एक है। जो मुगलिया दौर के पहले गवर्नर कामरान मिर्जा ने 15वीं सदी में अपने वालद और मुगलिया खानदान के बानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की लाहौर आमद पर दरियावी के किनारे इमारत तमीर करवाई, जिसके 12 दरवाजे थे। 12 दरवाजों की वजह से बारादरी के नाम से मशहूर हुई। ये बारादरी दरियावी के किनारे बनाई गई, लेकिन वक्त के साथ दरियावी ने अपना रास्ता तब्दील किया। अब ये बारादरी दरियावी के दरमियान में है और एक जजीरे का मंजर पेश करती है। बारादरी और बाग फन तमीर का मंजर पेश करती थी, लेकिन आज इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि सफाई का इंतजाम इंतहाई नाकस है, जिसकी वजह से लोग यहाँ का रुख नहीं करते। तो बड़ा अच्छा लगता था आके, लेकिन अब आते हैं। गुजरांवाला से हम आए हुए हैं इस सिटी को देखने के लिए, लेकिन इधर आए इधर गंदगी बहुत ज़्यादा, इधर बैठने को दिल नहीं कर रहा हमारा। बस यही है कि हम देख के परेशान हो रहे हैं कि यार इनको चाहिए हुकूमत को, ये एक ख़जाना है उनका, ये इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अब ना इतनी गंदगी के बैठने के लिए जगह भी नहीं, पहले कंटीन थी, अब कंटीन भी नहीं है, ना पीने के लिए साफ पानी है। तकरीबन 3-4 साल पहले हम इधर फैमिली के साथ आए थे, यहाँ पे बेहतरीन माहौल था, खूबसूरत पार्क थे। अब तो ये जो यहाँ पे झील बनी हुई है, ये बारादरी के बिल्कुल सामने, ये एक जौहरनुमा नज़र आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे गंदा जौहर है, यहाँ पे बदबूदार पानी अक्सर देखने को मिलता है। अब भी बारिश होगी, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं बारिश रुकी को। ये जो सामने वाला तालाब है, इसमें गंदा बदबूदार पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंतज़ामिया की इतनी गफलत है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। यहाँ पे एक कैंटीन हुआ करती थी, अब वो भी बंद है। यहाँ पे कोई सफाई सुथराई का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। पहले आते थे बहुत अच्छा सा माहौल होता था यहाँ पे, यानी कि साफ़ सुथराई होती थी। आजकल जो आते हैं यहाँ पे कोई साफ़ सुथराई भी नहीं है और अच्छा माहौल भी नहीं है। कामरान की बारादरी जो कि मुग़लों का विरसा है, जहां पर लोग मुल्क भर से सैर व तफरी के लिए आते हैं, हकूमती अदम तवज्जो की वजह से ये तारीखी विरसा ख़त्म हो रहा है। कैमरामैन टीम के साथ मोहसिन रज़ा, NA News, फिरोज़वाला।